कृष्ण, आज हम बनाएंगे एकदम हेल्दी वर्जन में गेहूं के आटे की नान। तो चलो रेसिपी शुरू करते हैं। चलो फ्रेंड, आज हम बनाएंगे गेहूं के आटे में से एकदम सॉफ्ट ऐसी नान। तो चलो नान बनाने के लिए रेसिपी शुरू करते हैं। एकदम बाजार जैसे सेम टू सेम घर पे बनेगी, तो उसके लिए मैंने 2 कटोरी आटा ले लिया है और उसके अंदर स्वाद अनुसार नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद हम इसके अंदर 1 टेबलस्पून बेकिंग पाउडर ऐड करेंगे और 1/2 टेबलस्पून बेकिंग सोडा ऐड करेंगे। वो दोनों चीज ऐड करने के बाद हम खट्टा वाला दही ऐड करेंगे 1 कटोरी और मोन के लिए ऑयल ऐड कर देंगे। और उसको अच्छी तरह से हाथ की मदद से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स हो जाए इसके बाद हम इसके अंदर हमारा रूम टेम्परेचर पर दूध था और वो मिल्क से हम आटा गूंदेंगे। इस तरह से आटा गूंदने के बाद हम फिर से ऑयल डालेंगे और उसको अच्छी तरह से, जब तक हमारा आटा में स्ट्रेच नहीं आ जाता मैदा की तरह, तब तक हमको इसको गूंदना है। इस तरह से घिस कर कम से कम आप 5 से 7 मिनट तक तो इसको इस तरह से गूंदना पड़ेगा। फिर आप देख सकते हो इस तरह का हमारा आटा बनकर तैयार हो गया है। तो उसको ढककर हम रख देंगे कम से कम 15-20 मिनट तक। ज़्यादा टाइम हो तो आप आधे घंटे के लिए भी छोड़ सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरह से हमारा आटा फूल गया है। तो उसमें से हम एक लुआ ले लेंगे इस तरह से। और आप प्लेटफॉर्म पर या चॉपिंग बोर्ड पे या चकला बेलन पे किसी के भी ऊपर इस तरह से आप लगाकर उसको बेल सकते हो। हमको इसको एकदम पतला भी नहीं करना है और बहुत ज्यादा मोटा भी नहीं रखना है। तो इस तरह से मैंने अच्छी तरह से बेल लिया है। इसके ऊपर हम सिर्फ ब्लैक कलर के तिल आते हैं वो तिल डाल देंगे। ब्लैक कलर के तिल और हरा धनिया ऐड कर देंगे। और उसको हाथ की मदद से या बेलन की मदद से फिर से थोड़ा लगा देंगे कि वो अच्छी तरह से चिपक जाए इसके लिए। और
उसको पलटा लेंगे और पीछे की साइड पर पानी अच्छी तरह से लगा देंगे हम। पीछे की साइड पे अच्छी तरह से पानी लगाकर हमने लोढ़ी गरम करने के लिए रख दी थी, तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे जो पानी वाला भाग था हमारा, वो अच्छी तरह से चिपक गया है पानी की वजह से। तो आपको खास ध्यान रखना है कि नॉनस्टिक की तवी नहीं लेनी है, इस तरह की हमारी जो रेगुलर तवी होती है उसमें ही होता है ये, नॉनस्टिक में वो चिपकेगा नहीं। और पलटा लेंगे और गैस की फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरह से पकाएंगे। आप देख सकते हो कि हमारा ऊपर से एकदम मस्त तरीके से पककर तैयार हो गया है, तो नीचे से हम इस तरह से नहीं करेंगे तो वो निकल जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ कि पीछे से भी एकदम मस्त तरीके से पक गया है, आप देख सकते हो। तो ऊपर से हम बटर ऐड करेंगे, अच्छी तरह से बटर लगाएंगे तो हमारी एकदम मस्त सॉफ्ट ऐसी बटर नान बनकर तैयार हो गई है गेहूं की। तो हम इस तरह से दूसरी भी नान बना लेंगे और उसको भी इस तरह से पका लेंगे पीछे की साइड करके। तो आप देख सकते हो कि हमारी एकदम मस्त सॉफ्ट सॉफ्ट गेहूं की नान बनकर तैयार हो गई है। तो ये आप भी घर पर जरूर ट्राई करना। तो कैसी लगी मेरी नान मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना और आप भी घर पे जरूर ट्राई करना। चलिए फ्रेंड, हमने गेहूं के आटे में से नान बनाकर तैयार कर ली है। तो इस रेसिपी पर लाइक शेयर सब्सक्राइब और फॉलो करना भूले नहीं। और आप खाने में एकदम सॉफ्ट और मजेदार बनती है तो आप भी जरूर ट्राई करना, क्योंकि हमारे के लिए हेल्थ के लिए मैदा से ज्यादा गेहूं अच्छा रहता है। तो आप गेहूं के आटे की नान बनाकर ट्राई करना। बाय बाय।